दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे टमाटर की टेस्टी टेस्टी चटनी, जिसके आगे आप सब्जी खाना भूल जाएंगे और इसका स्वाद ऐसा जो आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिया है। आप टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और अब हम टमाटर को अच्छे से पानी से धो लेंगे और इस तरह टमाटर को बीच से हम काट लेंगे। सारे टमाटर को ऐसे ही काट लेना है और अब हम इसके ऊपर के हिस्से को इस तरह से काट कर हटा देंगे। और हटाने के बाद अब हम इसे पकाएंगे। तो हम पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, और तेल को हमें अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड कर देना है पैन में। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो इस तरह से हमें टमाटर को डाल देना है। सारे टमाटर को हम इसी तरह से डाल देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 6-7 कलियां लहसुन की। और अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें ऊपर से नमक को छिड़क देना है। और अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद इसे हम इस तरह से पलट देंगे टमाटर को, ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से पक जाए। पलट देने के बाद इसे हम वापस से ढक देंगे और ढक कर लो फ्लेम पे इसे हम 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। दोस्तों टमाटर की चटनी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी और आप सब्जी खाना भूल जाएंगे। रोज़ आप टमाटर की चटनी बनाकर ही चावल या रोटी खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इस तरह से 6 मिनट के बाद इसे हम वापस से इस तरह से पलट देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर के छिलके को हम बहुत ही इजीली हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर के छिलके को हटा देंगे और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ढक देंगे। और ढक कर इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम टमाटर को मैश करेंगे। तो इस तरह से हमें टमाटर को मैश कर लेना है। लहसुन और टमाटर दोनों को अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो टमाटर और लहसुन को हमें अच्छे से मैश कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज। तो मीडियम साइज़ का एक प्याज लेना है हमें, उसे बारीक काट लेना है। 3-4 हरी मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच तेल। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का जूस। और सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है इस चटनी को बनाना, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, टमाटर की चटनी बनकर तैयार है मिनटों में। और अब आप इसे रोटी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और साथ में हरे धनिए की चटनी हो तो क्या ही बात है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस टमाटर की चटनी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।